गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉयड योर विंटर वेकेशंस। सो वेलकम बैक इन आवर ईवीएस क्लास एंड इन ईवीएस आवर चैप्टर 17th अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ द एनिमल्स इज गोइंग ऑन। और इस चैप्टर के हम वर्ड मीनिंग्स और हार्ड वर्ड्स कर चुके हैं। नाउ इट्स टर्न टू राइट इट्स क्वेश्चन आंसर्स। सो बिफोर राइट क्वेश्चन आंसर्स आई टेल यू अबाउट द चैप्टर। वॉट इज गिवन इन दिस चैप्टर? In this chapter, you will read about different types of animals, about their homes, and about wild animals, domestic animals, pets, birds, insects. Okay, so इस chapter में आप different types of animals के बारे में पढ़ेंगे, what they eat, where do they live, and how they are useful to us. So now let's start its question answers. So question first is, what is habitat? Our question first of this chapter is question number 1. What WHAT? What is habitat? HABITAT. Habitat क्या होता है? क्या है habitat? हमने word meaning में भी इसका meaning लिखा है। Habitat. Habitat means home. किसी का भी एनिमल्स का या किसी का भी जो रहने की जगह होती है, प्लेस वेयर दे लिव, दैट इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। सो इसका आंसर हम लिखेंगे ईच एनिमल, ई ए सी एच, ईच एनिमल हैज इट्स ओन, ओ डब्ल्यू एन, ओन होम। Each animal has its own home, that is called its habitat. हर एनिमल का अपना एक रहने का की जगह होती है, that is called its habitat, जो उसका habitat होता है. Okay? Now, next question है, What are wild animals? What are wild animals? क्या होते हैं? So our next second question is, What WHAT? What are wild animals? Wild animals क्या होते हैं? आपको ये तो पता है wild animals कौन कौन से होते हैं? Like lion, giraffe, tiger, bear, wolf. But what are? वो क्या होते हैं? तो एनिमल्स दैट लिव इन जंगल, एनिमल्स दैट लिव इन जंगल आर कॉल्ड, दैट लिव इन जंगल्स आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। जो एनिमल्स जंगल्स में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स, राइट? नाउ और थर्ड क्वेश्चन इज, नेम टू फाइबर दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। हियर वी हैव टू राइट टू फाइबर्स नेम दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। यहां हम टू फाइबर्स के नाम लिखेंगे दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। So our next question is, name two fibers, F-I-B-R-E-S, fibers that we get from animals. यहां हमें two fibers के नाम लिखने हैं जो हमें animals से मिलते हैं। Fibers means धागे जो होते हैं, okay? So number 1 है, our answer is number 1 silk, and second fiber is wool that we get from animal. Okay, silk and wool. Next question है हमारा question fourth है हमारा, what are
beasts of burden. Beasts of burden क्या होते हैं? अब इसका आंसर here there is no space, so I am going to write on upside. Okay. So for that I have to rub these questions. So हमारा question था what are beasts of burden? तो इसका हम आंसर लिखेंगे animals that are used to carry loads. Loads means वजन, जो वजन उठाने के काम आते हैं they are called beasts of burden. Carry loads are called beasts of burden. Okay, ये हो गया हमारा इसका आंसर. Now our next question is give two examples of each. यहां हम हर जो भी एग्जाम्पल है जो भी क्वेश्चन पूछा गया है लाइक डोमेस्टिक एनिमल्स पेट्स वाइल्ड एनिमल्स उनके टू एग्जाम्पल्स लिखेंगे. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर क्वेश्चन फिफ्थ गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच. फर्स्ट है हमारा वाइल्ड एनिमल्स. हेयर वी हैव टू राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. सो वाइल्ड एनिमल्स कौन से होते हैं? अभी हमने क्वेश्चन में भी रीड किया ना, एनिमल्स दैट लिव इन जंगल्स, जो जंगल्स में रहते हैं. सो जंगल में कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं? नंबर वन इज लायन एंड नंबर टू इज बियर, भालू. ओके, नेक्स्ट है हमारा डोमेस्टिक एनिमल्स. ओके, डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स आर द एनिमल्स दैट आर यूजफुल फॉर अस, जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, जो हमारे काम आते हैं. सो डोमेस्टिक एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? नंबर वन है गोट. ओके, एंड नंबर टू गोट है, हैन है, दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स हैन. यहां आप कोई भी डोमेस्टिक एनिमल्स लिख सकते हो लाइक काउ, गोट, हैन, डक. ओके, नेक्स्ट है हमारा पेट्स. पेट्स में वो एनिमल्स आते हैं जिनको हम अपने घर में रखते हैं बिकॉज वी लव देम, क्योंकि वो हम उन्हें, वो हमें अच्छे लगते हैं, हम उन्हें शौक के तौर पर अपने घर में टेम बनाकर, पालतू बनाकर रखते हैं. ओके, टेम तो यहां पर आएंगे डॉग, कैट. ओके, दे आर कॉल्ड पेट्स. नेक्स्ट है हमारा नंबर फोर है हमारा बर्ड्स. हेयर वी हैव टू राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ बर्ड्स. यू कैन राइट हेयर एनी टू बर्ड्स नेम. सो आई राइट हेयर स्पैरो, एस पी ए डबल आर ओ डब्ल्यू, स्पैरो, एंड सेकेंड इज पैरट. सो हेयर यू कैन राइट डाउन एनी टू बर्ड्स नेम, स्पैरो एंड पैरट. नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, बर्ड्स हो गया. अब इंसेक्ट्स, write down the name of two insects. Two insects name likhne hame. So number one I am going to write here butterfly, b-u-t-t-e-r, butterfly. Insects bhi small or big hote hain, some insects are very small. Okay, so butterfly, and second hai ants. Ant jo hoti hai wo thoda isse butterfly se small hoti hai, right? To ye ho gaye hamare two examples. Abhi iske baad I also have to rub this, mujhe isko rub karna hai और आगे लिखना है. आफ्टर इंसेक्ट्स वी विल राइट हेयर प्लांट ईटर्स. नंबर सिक्स है यहां प्लांट ईटर्स. प्लांट ईटर्स कौन से एनिमल्स होते हैं? दोज ईट ओनली प्लांट, जो सिर्फ प्लांट्स की लीव्स, रूट्स, फ्रूट्स ये सब खाते हैं, जो सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं. हेयर वी हैव टू राइट देयर नेम. सो नंबर वन प्लांट ईटर कौन होता है? एलिफेंट.
Elephant is a plant eater animal. Elephant and deer. जो हिरण होता है वो भी सिर्फ पेड़ पौधे ही खाता है. ओके नेक्स्ट है हमारा फ्लैश ईटर्स. फ्लैश FLESH फ्लैश ईटर्स. फ्लैश मीन्स क्या होता है? डेड एनिमल्स. जो एनिमल्स डेड एनिमल्स को खाते हैं उनके नाम लिखने हमें यहां. ओके फ्लैश मीन्स मांस जिसको बोलते हैं. सो डेड एनिमल्स को कौन खाता है? एक तो वुल्फ एंड टाइगर. ओके यहां आप कोई भी टू एनिमल्स के नेम लिख सकते हो जो आपको पता है, बट उससे पहले आपको ये हेडिंग जरूर देखनी है. जैसे प्लांट ईटर्स में मैंने एलिफेंट डियर लिखा, हेयर यू कैन राइट डाउन काउ गोट, दे ईट ओनली प्लांट्स ना. यहां आप फॉक्स लिख सकते हो, लायन लिख सकते हो. ओके सो फ्लैश ईटर्स कौन से होते हैं? जो दूसरे जो डेड एनिमल्स दूसरे एनिमल्स का मांस खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं. नेक्स्ट है हमारा बोथ. बोथ मतलब दोनों, बोथ प्लांट एंड फ्लैश ईटर्स. प्लांट एंड फ्लैश ईटर्स जो प्लांट भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं, उन एनिमल्स के नाम लिखने हमें यहां. तो कौन कौन से एनिमल्स हैं यहां जो प्लांट भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं? सो नंबर वन है यहां बियर. जो भालू होता है, भालू भालू प्लांट्स भी खाता है और फ्लैश भी खाता है भालू. एंड नंबर टू, नंबर सेकंड है यहां क्रो, कौवा. कौवा जो है वो भी फ्लैश भी खाता है और वो प्लांट्स के फ्रूट्स भी खाता है, सीड्स खाता है. ठीक है उसके बाद नंबर नाइन पर है हमारा यहां इंसेक्ट ईटर्स. हियर वी हैव टू राइट द एनिमल्स दैट ईट ओनली इंसेक्ट्स. इंसेक्ट ईटर्स जो इंसेक्ट्स को मार के खाता है. सो इंसेक्ट ईटर्स कौन कौन से हैं? फ्रॉग एंड बैट. फ्रॉग मीन्स मेंढक, मेंढक और बैट मीन्स चमगादड़. फ्रॉग एंड बैट आर टू एनिमल्स दैट ईट इंसेक्ट्स. ठीक है नेक्स्ट है फाइबर गिविंग एनिमल्स. हियर वी हैव टू राइट डाउन टू एनिमल्स नेम फाइबर. दोज गिव्स फाइबर. फाइबर गिविंग एनिमल्स. फाइबर गिविंग एनिमल्स कौन से होते हैं? जिनसे हमें धागे मिलते हैं, जिन और जिन धागों से हम क्लोथ्स बनाते हैं. सो फर्स्ट है वूल. वूल इज ऑल्सो फाइबर ना, वूल सिल्क एंड लेदर. सो वूल फ्रॉम वेयर वी गेट वूल? वी गेट वूल फ्रॉम शीप. एंड सिल्क, सिल्क किससे मिलता है हमें? सिल्क वी गेट फ्रॉम सिल्क वर्म. सो हेयर वी विल राइट डाउन शीप एंड सिल्क वर्म. ओके सो डन. राइट डाउन दीज ऑल क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक इन नीट एंड क्लीन वे. एंड बोल बोल कर लिखने हैं आप सबको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स. अगर आप बोल बोल कर लिखोगे तो आपको लिखते टाइम भी ये सारे लर्न हो जाएंगे. एंड यस डू दिस वर्क इन नीट एंड क्लीन. थैंक यू.